जिन्होंने अभी नीट 2024 का एग्जाम दिया है, ठीक है, तो आप सभी को पता है कि नीट 2024 का जो एग्जाम है आई मधु फ्रॉम टॉपर्स एकेडमी। तो आज मैं ये वीडियो उस इन स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जिन्होंने अभी नीट 2024 का एग्जाम दिया है, ठीक है, तो आप सभी को पता है कि नीट 2024 का जो एग्जाम है वो 5 मई को हुआ था, ठीक है, और 5 मई के बाद मतलब बहुत न्यूज़ आई थी कि जो पेपर है वो लीक हो गया था, बहुत स्टूडेंट्स के मार्क्स में बहुत गड़बड़ थी, ठीक है। तो अभी ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आ रही है, तो ऐसा कुछ फिक्स भी नहीं है कि वो रीनीट होगा या कैसा होगा क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है एनटीए में, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट 2024 का एग्ज़ाम दिया है और जो अभी उस चीज़ में लगे पड़े हैं कि रीमीट होगा नहीं होगा क्या है क्या नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक जितना भी पता चला है, तो रीमीट नहीं होगा, ठीक है। तो जिनका भी एग्ज़ाम जिनके भी स्कोर उस अकॉर्डिंग आए हैं काउंसलिंग के लिए आप वेट करो, ठीक है, और जिनको भी अगर 2025 के लिए ड्रॉप लेना है वो ड्रॉप लेके अपनी जो 2025 की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करो, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा नहीं आया है कोई फाइनल की रीनीट होगा या नहीं होगा कब होगा कैसे जो भी है अभी कुछ नहीं आया, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, और जो काउंसलिंग जो ये कॉलेजेस की काउंसलिंग है उसके लिए वेट करो, और अगर आपने सोचा है कि आपको 2025 में का दोबारा ड्रॉप लेना है तो उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दो, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। थैंक यू।